बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कही जाने वाली कंगना रनावत एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपनी शर्तों पर फिल्में करती है। अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जहां पर वो संदीप रेड्डीवांगा, जिन्हें सभी जानते हैं एनिमल फिल्म के डायरेक्टर के रूप में, उनके साथ बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ जुड़ करके रणबीर कपूर सुपरस्टार बन गए और रश्मिका मंदाना जो है मंदाना उनकी फीस बढ़ गई है। और ऐसे में जितने भी लोग इस फिल्म में काम किए सभी का कैरियर जो है उछाल पर है और सभी उनके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे में संदीप रेड्डीवांगा ने इच्छा जताई, जाहिर की कि वो कंगना रनौत को पसंद करते हैं, उनके अभिनय को पसंद करते हैं और उनके साथ वो इन फ्यूचर में कोई फिल्म करना चाहेंगे, इसको लेकर के वो दोनों आपस में बातचीत करेंगे और ऐसा कुछ होगा, ऐसा उन्होंने जताया था। लेकिन इसके रिप्लाई में कंगना रनौत ने पहले तो उन्हें बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छी बात है कि उन्हें उनका अभिनय पसंद आता है, सब कुछ पसंद आता है, लेकिन आगे उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इसके आगे जो कहा उन्होंने इसको सुनकर के तो संदीप रेड्डीवांगा ने कभी सोचा नहीं होगा कि उन्हें ऐसा कुछ उन्हें मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया वो सब उन्हें सुनने को मिलेगा। तो आगे कंगना दीदी जो है वो कहती है कि आपकी सभी बातें ठीक है लेकिन आप गलती से भी मुझे अपनी फिल्म में रोल मत देना क्योंकि ऐसे में आपके हीरो जो है वो फेमिनिस्ट हो जाएंगे और आपकी फिल्में जो है वो सुपर फ्लॉप हो जाएंगी क्योंकि मैं जब फिल्म में रहूंगी तो फिर इस तरह की मतलब उनकी कहानी जो होती है फिल्मों की संदीप रेड्डीवांगा की, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर एनिमल, जिसमें लड़की का जो रोल होता है जो उसमें अभिनेत्री होती है उसका रोल थोड़ा सा कमजोर होता है और जो मर्द का रोल होता है वो बहुत ही सशक्त होता है, जिसको लेकर के उनकी फिल्मों को कई तरह के नाम दिए जाते हैं। लेकिन इसी सोच के कारण जो है कंगना रनौत जानी जाती है फेमिनिस्ट के रूप में और वो कभी ऐसी फिल्म नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपकी फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस करती है, ऐसे में जरूरत है इंडस्ट्री को कि आप ऐसी ऐसी फिल्में बनाएं और इंडस्ट्री को खूब पैसा कमा करके दे और आप भी सफल हो, लेकिन आप अपनी फिल्में मुझे मत लेना। उनकी फिल्म डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, उनके को एक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, कौन क्या, इससे घंटा किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। जब वो फिल्म में होती है तो बस वही होती है और फिर चाहे उनकी फिल्म का जो भी हाल हो, लेकिन ये एक ऐसी लेडी है, ऐसी सिंघम लेडी है, मतलब कि इनको मैं क्या कहूं कि इनका अपना ही एक नजरिया है काम करने का, इनका अपना ही एक विचारधारा है। अभी इनके आने वाली फिल्म है इमरजेंसी, जिसमें वो इंदिरा गांधी का रोल निभा रही है, जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट, टॉपिक, रिव्यू या फिर अपडेट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।